ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है, जहां सड़क पर उतरे लोग प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन ये प्रदर्शन किसी और के खिलाफ नहीं, योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर सुमेन तोमर के खिलाफ किया जा रहा है। इसके साथ इन लोगों का कहना है कि मंत्री ने अपने रसूख का दम दिखाते हुए कॉलोनी के रास्ते पर कब्जा कर लिया है। लोगों का आरोप है कि DMSP से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसके बाद लोगों ने मेरठ कमिश्नरी में जमकर विरोध प्रदर्शन का रुख किया और ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के विनायक कॉलोनी मोदीपुरम का है, जहां लोगों ने योगी सरकार में मंत्री सोमेन तोमर के खिलाफ कॉलोनी का रास्ता कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया। मेरठ कमिश्नरी पर बड़ी संख्या में विनायक कॉलोनी मोदीपुरम के लोग इकट्ठा हो गए, हंगामा करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। इसमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल थी। महिलाओं ने जहां तकिया ले रखी थी, जिन पर PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, CM योगी के पोस्टर लगे थे और स्लोगन लिखे हुए थे कि हमें मंत्री सोमेन तोमर से बचाओ। इसके अलावा उन पर बांग्लादेश का जिक्र करते हुए स्लोगन भी लिखे हुए थे, जिसमें लिखा था कि बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने वालों, मेरठ के हिंदुओं को कब बचाओगे। इस पोस्टर की भी काफी चर्चा हो रही है। वहीं मंत्री सोमेन तोमर के खिलाफ प्रदर्शन करने आए लोग बेहद गुस्से में थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि 2006 में संजीव तोमर नाम के आदमी से प्लॉट खरीदे थे। सोमेन तोमर ने तभी विनायक विद्यापीठ कॉलेज भी संजीव तोमर से खरीदा था। अपनी दबंगई के चलते अब मौजूदा मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने इनके प्लॉट की तरफ जाने वाला रास्ता पे कब्जा कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर सभा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर हमला बोलते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के एक मंत्री द्वारा मेरठ में सेवानिवृत्त सैनिकों एवं गरीबों की जमीन कब्जा किए जाने की खबर शर्मनाक है। बस इतना पूछना है कि सर्वज्ञ मुख्यमंत्री जी को इन भूमाफियाओं के बारे में कुछ भी पता है या फिर सब कुछ पता होते हुए भी दोनों परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री जी की नाकामी है या फिर इस भूहरणकर्त में उनकी हामी है। तो वहीं अब इस मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री सोमेन तोमर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से अभी इस मामले पर कोई भी सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।